सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस सबसे पहला स्टेप तो ये है कि स्टेट द हाइपोथेसिस और स्टेट द हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप उसको स्टेटिस्टिकली भी लिख सकते हैं और आप उसको वर्ड्स uh, में भी लिख सकते हैं मसलन फर्स्ट uh, करें कि मैं जानना चाहती हूँ कि पापोलेशन uh, का जो मीन है फर्स्ट करें यही करते हैं एग्ज़ाम्पल के स्टूडेंट्स का जो एवरेज आई है यूनिवर्सिटी के अंदर जो आ रहे हैं वो हंड्रेड है राइट right? तो आई विन से म्यू इज इक्वल टू हंड्रेड ये मैं नाइपोथस से स्टेट करूँगी। या फिर मैं इस तरह भी कर सकती हूँ कि पॉपुलेशन मीन इज हंड्रेड पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन आई क्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज हंड्रेड राइट आपका हाइपोथेसिस हमें बहुत तरह के हो सकते हैं हम किसी एक वैल्यू के अगेंस्ट भी कंपेयर कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन मीन इतना है आपका हाइपोथेसिस ये भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कि स्क्रीन uh, टाइम का एग्रेशन के साथ क्या रिलेशन है तो आई कैन बिल्ड अ को रिलेशनल हाइपोथसिस ऑल्सो आपका हाइपोथिस डिफरेंस का भी हो सकता है कि बॉयज़ आर मोर इंटेलिजेंट दैन गर्ल्स आपका हाइपोथिस प्रोपोर्शनस uh, के ऊपर भी हो सकता है कि एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ़ फीमेल स्टूडेंट्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी इज दिस वन सो डिपेंडिंग आप किस तरह की पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं सो यू कैन मेक हाइपोथिस अकॉर्डिंगली सो द पहला स्टेप है कि यू जस्ट स्टेट द हाइपोथसिस और इसमें टू अपोजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं ये बड़ी मज़ेदारी की बात है कि हम साइंस कर रहे हैं वी आर साइंटिस्ट और स्टेटिस्टिक्स जो तो है बेसिकली आपके सारे प्रोसीजर को ऑब्जेक्टिफाई करती है यू इट मेक्स मोर ऑब्जेक्टिव यानी आप ख़ुद से अपनी मर्जी से सब्जेक्टिव डिसीजन नहीं करते बल्कि यू वेरी साइंटिफिकली मेक एन एजम्पन देन आप उसके काउंटर जम्पशन बिल्ड करते हैं और फिर आप उसको टेस्ट करते हैं बिल्कुल स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगा के जैसे हम कोई थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिवली उस वैल्यू की बेसिस पे हम डिसीजन ड्रॉ करते हैं कि हाँ पॉपुलेशन के बारे में ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक या डिफरेंस है या नहीं है या कोरिलेशन है या नहीं है सो वी स्टेट टू अपोजिंग हाइपोथिस नल हाइपोथिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथिस नल हाइपोथिस क्या है नल हाइपोथिस इज अ हाइपोथिस ऑफ नो डिफरेंस नो डिफरेंस का मतलब है कि अभी मैंने बात की कि हम बड़ी ऑब्जेक्टिवली स्टार्ट करते हैं अपनी रिसर्च को हम वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइकनेस और डिसलाइकनेस हम कहते हैं कि नहीं देर इज़ नो डिफरेंस देर इज़ नो रिलेशनशिप येस दिस मीन बिलोंग्स टू पॉपुलेशन मीन यस पॉपुलेशन का एवरेज आई क्यू हंड्रेड ही है बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है एडिक्शन और ग्रेसन और स्क्रीन टाइम का कोई रिलेशनशिप नहीं है या सो फो सो यू कैन गो ऑन एंड ऑन बाय मेकिंग सो वी स्टार्ट विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट विच स्टेट्स के म्यू इज़ इक्वल टू मीन या फिर आप कहते हैं कि नो डिफरेंस या आप कहते हैं कि नो इफेक्ट या नो रिलेशनशिप सो यू आर स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यूट्रल स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड नल हाइपोथिस जिसमें आपकी कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है आप इंतहा ऑब्जेक्टिवली लाइक अ वेरी रेगर साइंटिस्ट यू आर स्टार्टिंग विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट टू सी द वॉट विल हैपन और इसको हम सिंबल जो डिनोट करते हैं नाल हाइपोथेसिस को एच नॉट भी पढ़ते हैं इसको नाल हाइपोथेसिस भी पढ़ते हैं लेकिन हम इसको साइंटिफिकली लिखते इस तरह से हैं इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अगर आप एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं और फ़र्श करें आप कहते हैं कि एक मसलन आ, आपने बच्चों को आ, एक ग्रुप को आपने दो घंटे के लिए कोई वीडियो गेम्स खेलने को अलाउ किया है और दूसरे ग्रुप को आपने वीडियो गेम्स खेलने के लिए अलाउ नहीं किया बल्कि दे आर रैंडमली वट एवर दे आर डूइंग और फिर बाद में आपने उनका अग्रेशन लेवल चेक किया जस्ट टू सी कि क्या अग्रेशन में और वीडियो गेमिंग या स्क्रीन टाइम में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है सो so, अगर आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया तो आप कहेंगे नाल हाइपोथेसिस को कि देर इज़ नो इफ़ेक्ट देर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑन अग्रेशन अगर आपने कोरिलेशनल सर्वे किया है तो आप कहेंगे देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड एग्रेशन अगर आपने मेल और फीमेल का कंपैरिजन करना है तो यू विल से कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑन एग्रेशन इस तरह से और नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हम स्टेट करते हैं अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको एच वन से भी डिनोट करते हैं और इसको एच वन पढ़ते हैं अल्टर्नेटिव हाइपोथसिस इज़ योर रिसर्च हाइपोथसिस विच इज़ कमिंग फ्राम

रिसर्च uh, के ऊपर पिछले डेटा के ऊपर अपना बिल्ड करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है अपने रिसर्च हाइपोथेसिस के सपोर्ट करने में उसको प्रूव uh, करने में उसको एक्सेप्ट करने में क्यों क्योंकि मेनली वो बिल्ट ये करता है अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है कि हाँ जी आई एम स्टार्टिंग विद नल हाइपोथिस लेकिन मेरा रिसर्च हाइपोथिस ये है कि यस देयर इज़ एन इफेक्ट देयर इज़ अ रिलेशनशिप देयर इज अ डिफरेंस

नॉट इक्वल टू हंड्रेड या फिर मैं करूँगी कि म्यू इज ग्रेटर देन हंड्रेड राइट तो मैं कहूँगी कि पॉपुलेशन में जो स्टूडेंट्स का आई क्यू है दैट इज मोर देन हंड्रेड और इट इज़ नॉट इक्वल टू हंड्रेड सो दिस इज माई एच वन विच इज रिसर्च हाइपोथिस एंड द एच नॉट इज नाइपोथिस एल्टरनेटिव हाइपोथिस सिंपली स्टेट्स एट देयर विल भी समाइप ऑफ चेंज जैसे मैंने कहा कि हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और हम अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके प्रीवियस रिसर्च के ऊपर बेस करके अपना रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं कि नहीं देयर इज़ अ चेंज देयर इज़ एन इफेक्ट दैट थिंग्स आर डिफरेंट एज वी आर नॉट स्टार्टिंग विद अ न्यूट्रल स्टेटमेंट सो इट डज़ नाट स्पेसीफाई वेदर इफ़ेक्ट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो इफेक्ट uh, वाकई उसको हम ऑब्जेक्टिफाई uh, कर सकते हैं हम उसको टेस्ट वैल्यू में सिग्निफिकेंट uh, लेकर के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते सो समाइम्स इट इज़ अप्रोप्रियट फॉर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द इफ़ेक्ट जैसे अगर फ़र्ज करें कि आपको ये पता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में इंटेलिजेंस में डिफरेंस है आप इसके बारे में श्योर हैं क्योंकि पीछे आपको रिसर्च भी गाइड कर रही है और आपको पिछला डेटा भी आपको जो पीछे इतने सारी रिसर्च हुई हैं उसमें भी यही ट्रेंड मिल रहा है कि बॉयज़ आर मोर इंटेलिजेंट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल इज नॉट रियल इज जस्ट हाइपोथेटिकल इज ड इट कि बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट है ना तो इसमें आप डायरेक्शनल uh, हाइपोथिस uh, भी बना सकते हैं और नॉन डायरेक्शनल भी बना सकते हैं आप इसका नल हाइपोथसिस बनाएंगे कि बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल फॉर एग्जाम्पल सो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू अब इसमें डायरेक्शनल ये बन सकता है कि बॉयज आर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स या फिर इसमें बन सकता है कि बॉयज़ आर डिफरेंट दे आर नॉट इक्वल सो समाइम्स हम डायरेक्शन दे देते हैं अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो रिसर्च के अंदर कि पिछली रिसर्च बड़ी रिगरसली स्ट्रॉगली एविडेंट है कि uh, किसी एक जेंडर के लिए बस से फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ आर मोर तो फिर आप उसको डायरेक्शनल हाइपोथिस बना लेते हैं अदरवाइज अगर आपके पास इनफ एविडेंस नहीं है लेकिन आप समझते हैं कि डिफरेंस है ज़रूर तो फिर आप उसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस रख कर टेस्ट करते हैं सो सेकेंड स्टेप पहला स्टेप हमने बात की टेस्टिंग हाइपोथेसिस में स्टेट द हाइपोथेसिस और उसमें हमने कहा कि आपका एक नल हाइपोथेसिस होता है विच इज़ अ वेरी न्यूट्रल स्टेटमेंट और एक आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होता है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द रिसर्च और अल्टरनेटिव में फिर हमने बात की कि हम उसको डायरेक्शनल भी कर सकते हैं और नॉन डायरेक्शनल भी कर सकते हैं यानी अगर हमारे पास बहुत क्लियर कट एविडेंस हो तो फिर हम उसको डायरेक्शनल कर देते हैं लेकिन अगर नहीं तो फिर हम उसको अनडायरेक्शनल रखते हैं सेकेंड स्टेप है सेट द क्राइटीरिया फॉर आ डिसीजन सो टू फॉर्मलाइज द डिसीजन प्रोसेस वी यूज द नल हाइपोथसिस टू प्रिडिक्ट काइंड ऑफ सैम्पल मीन दैट ऑट टू बी ऑबटेन्ड सो आपने उसमें क्राइटीरिया कैसे सेट करना होता है हमने आपको याद है कि हमने सैम्पलिंग uh, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हमने उसके ऊपर z स्कोर्स पढ़े और हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पढ़ी और हमने कहा कि हम 95 फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म करते हैं कि पॉपुलेशन मीन वाकई इन दो वैल्यूज़ के दरमियान है सो दिस इज़ अ रीजन जिसमें हम कहते हैं कि यस म्यू इज़ इक्वल टू हंड्रेड उसमें हम कहते हैं कि हंड्रेड से नाइन्टी से ले कर हंड्रेड अगर इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हमारी वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं कि Uh, हमारा नल हाइपोथिस एक्सेप्टेड है यानी हमने जो न्यूट्रल स्टेटमेंट की थी कि पॉपुलेशन मीन इतनी ही है तो अगर वो इन दो बाउंड्रीज के दरमियान आ जाती है कॉन्फिडेंस इंटरवल में तो हम कहते हैं कि यस। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रीजन एक्सेप्टेंस रीजन फॉर नल हाइपोथेसिस। नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल सो सेट द क्राइटीरिया हम उसके लिए करते हैं कि हमने कितने परसेंट पे जाके डिसीजन करना है इसमें आप नाइन्टी नाइन परसेंट भी जा सकते हैं और इसमें आप नाइन्टी फाइव परसेंट भी जा सकते हैं आ, कितने परसेंट आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं और कितने परसेंट आप ये एरिया रिजेक्शन रीजन जिसको हम कहते हैं कि दिस इज़ रिजेक्शन रीजन फॉर नाल हाई मेरे ख्याल से अगली स्लाइड में मैंने आ, शो किया हुआ है मैं आपको उस, उस जगह ही बता देती हूँ सो so, आप उसके अंदर यू सेट द क्राइटीरिया फॉर अ डिसीजन कि किस वक्त आप नल हाइपोथिस रिजेक्ट करेंगे और किस वक्त आप एक्सेप्ट करेंगे बाय स्पेसिफाइंग द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन ये मैंने इसमें करवाया हुआ है सो सेट द क्राइटीरिया जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास नाइन्टी फाइव परसेंट हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे हमने फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम कहते हैं कि पॉपुलेशन की जो मीन है वो इसी एरिया के अंदर ही है लेकिन अगर हमारी वैल्यू इससे बाहर आ जाएगी तो इसका मतलब है कि नहीं पॉपुलेशन की मीन उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है सो दिस इज़ एक्सेप्टेंस रीजन फॉर नाल हाइपोथसिस एंड दिस इज़ द रिजेक्शन रीजन फॉर द नालाइपोथिस और ये जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारी टेस्ट वैल्यू होती है जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू क्यों कहते हैं क्योंकि अगर हमारी जैसे आपने जेड हमने जब टेबल देखा था जी का तो हमने यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई थी विच इज वन पॉइंट नाइन सिक्स एंड दिस इज प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स तो ये हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कि अगर हमारी टेस्ट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल जी टेस्ट हमने लगाया है और जी टेस्ट की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर आ जाती है वन पॉइंट नाइन सिक्स से तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू इस रीजन में फॉल करेगी राइट right? क्यों क्योंकि 1.96 से ग्रेटर का मतलब है कि वो इस रीजन में आएगी तो अगर हमारी टेस्ट की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी तो हम उसको रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी जिसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और उसके रिजेक्ट करने का मतलब है कि हमारा रिसर्च हाइपोथिस एक्सेप्ट हो जाएगा जो कि हमने उसका अल्टरनेटिव हाइपोथिस बनाया हुआ है इसी के अंदर ही जब हम कह रहे हैं सेटिंग द क्राइटीरिया जो कि सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं हम कि हमने डिसीजन क्राइटेरिया सेट करना है कि कहाँ पर जाके हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेड है और कहाँ पे कहेंगे कि वो रिजेक्टेड है उसमें एक तो हमने कहा है कि हमने उसमें टेस्ट वैल्यू देखते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई कि 1.96 के बियॉन्ड अगर क्रिटिकल रीजन में आ जाएगी वैल्यू तो हमारा डिसीजन ये होगा कि नाला हाइपोथोसिस रिजेक्टेड है तीसरी हम उसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हम उसको बजाय जी के देखने के हम एल्फ़ा लेवल में देखते हैं एल्फ़ा लेवल इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस यानी जो ये ढाई परसेंट एरिया इधर और ये ढाई परसेंट एरिया इधर है दिस इज़ एल्फ़ा लेवल बेसिकली सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग वन पॉइंट नाइन सिक्स यू विल कंपेयर पी वैल्यू या एल्फ़ा लेवल अगर आपने एल्फ़ा लेवल फर्ज करें पॉइंट जीरो फ़ाइव रखा है यानी आपने रिजेक्शन रीजन फाइव परसेंट रखा है और आपका नाइन्टी फाइव परसेंट एक्सेप्टेंस रीजन है तो अल्फा का मतलब है कि आप टेस्ट वैल्यू की बजाय आप उसकी पी वैल्यू देखेंगे राइट right? पी जब हम ये एस पी एस एस के अंदर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एस पी एस एस ना सिर्फ टेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करता है बल्कि उसके साथ आपको पी वैल्यू भी देता है और पी वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी अगर वो पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव से वैल्यू छोटी है तो सो so जैसा इफ़ पी इज़ स्मॉलर देन पॉइंट ज़ीरो फाइव तो वो हमारी रिजेक्शन रीजन में आएगी बात वही है यानी हम अब इधर से इधर नहीं जा रहे बल्कि हम इस तरह मूव कर रहे हैं सो फर्स्ट करें ये हमारा रिजेक्शन रीजन है और ये हमारा पॉइंट ज़ीरो टू फाइव इधर है और पॉइंट ज़ीरो टू फाइव इधर है तो अगर हमारी वैल्यू पी की वैल्यू पॉइंट ज़ीरो टू फाइव से छोटी आएगी लेस होगी तो फिर वो इस एरिया में आएगी अगर वो पॉइंट जीरो टू फाइव से बड़ी हो जाएगी तो वो वैल्यू इधर फॉल करना शुरू कर देगी जिसका मतलब है कि द वैल्यू इज़ मूविंग टूअर्ड द एक्सेप्टेंस रीजन एंड इट इज़ द एक्सेप्टेंस रीजन फॉर द नल हाइपोथेसिस सो यू कैन कंपेयर एल्फा और यू कैन कंपेयर टेस्ट वैल्यू टू मेक अ डिसीजन के वेदर यू विल बी गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस कॉमनली यूज़ डेल्फा लेवल्स जो हैं वो पॉइंट जीरो फ़ाइव और पॉइंट जीरो वन यानी नाइन्टी फाइव परसेंट और नाइन्टी नाइन परसेंट लेकिन कुछ केसेस में जब हमारी फ़र्ज़ करें जैसा हमने जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हम जैसे मेडिसिन बनाते हैं हम जैसे कुछ में सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है जहाँ आप कोई भी मार्जिन ऑफ एरर कम से कम रखना चाहते हैं तो फिर हम नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फॉर्म करते हैं जिसके लिए अल्फा यानी बकाया का बचा रिजेक्शन रीजन पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट रह जाता है तो लेकिन मोस्टली जो आप देखेंगे एज अ अस स्टूडेंट अगर आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे या फिर आप अपनी छोटी सी रिसर्च या थीसिस कंडक्ट करेंगे तो मोस्टली यू विल कंपेयर योर वैल्यू अगेंस्ट फाइव परसेंट एल्फा लेवल फाइव परसेंट एल्फा लेवल का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथिस फ़ाइव परसेंट यानी आपने दोनों तरफ रिजेक्शन रीजन फाइव परसेंट छोड़ा है तो उसमें अगर वैल्यू फॉल करेगी तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा विद एल्फा पॉइंट जीरो फाइव वी सेपरेट द मोस्ट अनलाइकली फाइव परसेंट ऑफ द सैम्पल मीन्स द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फ्राम द मोस्ट लाइकली नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द सेम्पल मीन इसका मतलब यह है कि आपने नाइन्टी फाइव परसेंट कहा है कि अगर इसमें वैल्यू आती है तो इसका मतलब कि हमारी ये पॉपुलेशन मीन इसी के अंदर है यानी पॉपुलेशन पैरामीटर इन्हीं दो वैल्यूज़ के अंदर है तो आपने उसके अंदर फाइव uh, परसेंट आपने जो एरिया छोड़ा है ऑलमोस्ट वही बात है जो मैंने पहले भी कर दी है कि फाइव परसेंट आपने मार्जिन छोड़ा है कि अगर इस एरिया में वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब है कि अब ये पॉपुलेशन की जो मीन है या वैल्यू वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान नहीं है इधर इधर बिगर और स्मॉलर अगर वो इस साइड पर तो फिर आप उसका डिसीजन uh, अकॉर्डिंगली करेंगे यानी ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये रिजेक्शन रीजन है एंड रिजेक्शन रीजन फॉर नल हाइपोथिस इसको हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं जिसको हमने रिजेक्शन रीजन कहा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल रीजन पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाई भी है कि जहाँ पे वो कर्व बना हुआ है क्रिटिकल रीजन का भी मतलब वही है कि अगर वैल्यू आपके क्रिटिकल रीजन में आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप नल हाइपोथिस को रिजेक्ट कर देंगे अगर हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पर बात करें फ़र्स करें कि आपने कहा है कि Uh, जैसे मैंने अभी एग्जांपल स्टॉक मार्केट की दी है और जो मैंने आपको ट्रेंड दिखाया है uh, इस तरह का और मैंने इसका नल हाइपोथेसिस में इसको फर्स्ट से वर्ड्स में लिख देती हूँ नल हाइपोथेसिस बनेगा कि देर इज़ नो ट्रेंड देर इज नो ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस या आप ये भी बना सकते हैं कि देर इज जस्ट रेंडम नॉइज रैंडम नॉइज़ और रैंडम वॉक यानी सारे स्टॉक्स बराबर हैं हम किसी स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कह रहे कि एक्स वाई जी की प्राइस ऊपर जाएगी या ए बी सी की प्राइस नीचे आएगी लेकिन इसी के अगेंस्ट मैं इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाऊंगी और मैं कहूंगी कि नहीं देयर इज सिग्निफिकेंट देअर इज एन इंक्रीज ट्रेंड है देयर इज ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन प्राइसिस तो जब मैंने ये दोनों हाइपोथेसिस बना लिए हैं अब उसके बाद मैं अपना एरिया डिफाइन करूंगी राइट right? उसके अंदर मैं बिल्कुल z की वैल्यू आई विल कलेक्ट डेटा और आपको z का फार्मूला आता है ना आप उसमें z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे कि वो वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है अगर वो वन से ग्रेटर आ रही है तो आप डेफिनेटली इस एरिया में फॉल करेगी जिसका मतलब है कि आपका नल हाइपोथसिस रिजेक्ट हो जाएगा और अदर वे वेराउंड आपके अल्टरनेटिव हाइपिस को सपोर्ट मिल गई और वो एक्सेप्ट हो गया लेकिन अगर वैल्यू हमारी 1.96 से नीचे रहेगी तो इसका मतलब कि वो इस एरिया में फॉल करेगी एंड दिस इज़ एक्सेप्टेंस एरिया फॉर नाला ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया था कि हमारी वैल्यू पॉपुलेशन uh, के लिए इन्हीं दो वैल्यूज़ के दरमियान होगी सो so, सिमिलरली हम कह रहे हैं कि नहीं यार वो थोड़ा सा नॉइज़ है uh, लेकिन एज सच कोई ट्रेंड परमानेंट नहीं कि प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन अगर आप टेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर और स्टेटिस्टिकल टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी भी चीज़ को थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि यार बुखार है कि नहीं है सो सिमिलरली वी यूज जी टेस्ट टी टेस्ट एफ टेस्ट को रिलेशन रिग्रेशन और ये सारे टेस्ट लगा के हम देखते हैं कि क्या हमारी जमशन ठीक है या नहीं है और फिर हम उस वैल्यू को इंटरप्रटेशन करते हैं कि अगर तो वो हमारी वाकई क्रिटिकल रीजन में आ रही है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार ये हमारा जो रिसर्च एज थी हमने बनाई रिसर्च हाइपोथेसिस वो ठीक है उसको सपोर्ट मिल रहा है और अदरवाइज यू कैन मेक एनी डिसीजन सो बाउंड्रीज फॉर द क्रिटिकल रीजन ये भी ऑलमोस्ट वही बात की हुई है कि विद एल्फा पॉइंट जीरो वन द बाउंड्रीज सेपरेट द एक्सट्रीम फाइव परसेंट फ्राम द मिडल नाइन्टी फाइव परसेंट बिकॉज द एक्सट्रीम फाइव परसेंट अगर हमारा टू टेल्ड टेस्ट हो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमारा नॉन डायरेक्शनल है कि हमें नहीं पता कि वो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है तो जब हमारा टू टेल टेस्ट होगा तो फाइव परसेंट इक्वली स्प्लिट हो जाएगा ढाई ढाई परसेंट दोनों तरफ हो जाएगा तो फिर हम जो वैल्यू को कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू को पी शुड बी स्मॉलर देन पॉइंट ज़ीरो टू फाइव फिर हम उसके अल्फा लेवल पॉइंट जीरो टू फाइव पे वैल्यू को चेक करेंगे और टेस्ट करेंगे ये आपको मैंने पिक्चर में सारा एक्सप्लेन कर दिया अभी तक हमने जितनी भी बात की है दिस इज़ जस्ट अ समरी ऑफ दैट सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हम बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि हम रिसर्चर हैं और हमने पॉपुलेशन के बारे में हम इंटरेस्टेड हैं जानने में और हम उसके बारे में कोई इन्फ्लेंस ड्रॉ करना चाहते हैं हमारी ऑब्ज़रवेशंस डे बाय डे लाइफ की हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं जिनके बारे में हम बहुत स्कैप्टिकल होते हैं कि इज़ इट ट्रू और नॉट मसला आपके बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं कि बैगिंग क्यों बढ़ रही है शादियाँ क्यों नहीं हो रही पाकिस्तानी रुपयी क्यों डिवेल्यूएट कर रहा है डॉलर की कीमत कहाँ जाएगी सो यू कैन मेक एनी एजम्प्शन यू कैन स्टार्ट विद नल हाइपोथसिस यू कैन सी द प्रीवियस ट्रेंड वट द लिटरेचर इज़ टेलिंग यू एंड देन यू कैन बिल्ट योर रिसर्च हाइपोथिस उसके बाद आप सूटेबल टेस्ट लगाएंगे जो कि हम आगे जाके बातें करेंगे कि किस जगह पर जाके हमने कौन सी स्टार्ट लगानी हैं हमने जी लगाना है हमने टी लगाना है हमने इनोवा लगाना है कोई भी टेस्ट यूज़ करेंगे उस टेस्ट की वैल्यू आएगी जैसे यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है और फिर आप उसको जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी आप उसको इस क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वो वैल्यू इधर आ रही है या फिर इधर आ रही है और जहाँ भी वो फॉल कर रही होगी उसके मुताबिक आप फिर डिसीजन करेंगे एंड दिस इज़ मोर इन्फॉर्म्ड काइंड ऑफ जैसे मैंने शुरू में बताया कि लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये है कि ये आपको बेसिकली हमारे इर्द गिर्द के रियल वर्ल्ड के जितने भी इशूज़ हैं उसको हमें मौका देती है कि हम उसको हाइपोथेटिकल सिनारीयों में रख के टेस्ट कर सकें और एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकें जो कि ऑब्जेक्टिव हो और लॉजिकल हो और इसी तरह से फिर हम आ, अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके उसके डिसीजन करते हैं तीसरा स्टेप जो हमारा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर ही दैट इज़ कलेक्ट डेटा पहले पे आपने क्या किया स्टेट द हाइपोथेसिस दूसरे स्टेप के अंदर जाके आपने क्या किया आपने रीजन आइडेंटिफाई किया अल्फा लेवल आइडेंटिफाई किया पॉइंट जीरो फ़ाइव या पॉइंट ज़ीरो वन क्रिटिकल रीजन आइडेंटिफाई किया और एक्सेप्टेंस रीजन आइडेंटिफाई किया और तीसरे नंबर पर जाके अब आप डेटा कलेक्ट करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने अपनी रिसर्च के कोर्स में बहुत सी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स पढ़ी होंगी आप किस तरह से डेटा कलेक्ट किया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है दैट आल्सो डिपेंड्स कि आप फिर टेस्ट कौन सा यूज़ करेंगे इस पर भी हल्की से हम बात करेंगे अगर हमें आगे जाके टाइम मिला लेकिन यू विल कलेक्ट द डेटा फ्राम द एंड देन यू विल समराइज दैट डेटा बस उसका मीन निकाल लेंगे एंड देन यू विल टेस्ट द वैल्यू और जो भी आप टेस्ट उसके ऊपर चूज़ करेंगे जैसे ये जी का आपको फार्मूला अगर याद होगा हमने पीछे किया हुआ है कि जी का फार्मूला है एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्डिएशन तो आप इसमें जब जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप उसको क्रिटिकल वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर कर लेंगे यानी इफ इट इज़ ग्रेटर देन 1.96 तो हमारा डिसीजन क्या होगा यस यू आर राइट अगर ग्रेटर होगी तो वो इधर आएगी तो इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे सो दैट्स द फाइनल स्टेप फोर्थ स्टेप कि वी विल मेक अ डिसीजन यानी आपने क्रिटिकल वैल्यू को ये मैंने एक टेबल में आपके लिए समप किया हुआ है कि अगर आपकी आ, ये हमारा अल्फा लेवल है आपने नाइन्टी फाइव परसेंट पे पॉइंट ज़ीरो फ़ाइव पर करना है पॉइंट जीरो वन पे करना है या फिर पॉइंट वन पे यहाँ पे वैसे बहुत रेयर करते हैं कि हम टेन परसेंट एरर ऑफ मार्जिन रखें हम यूजली जो मोस्ट ऑफ द टाइम एल्फ़ा लेवल यूज़ करते हैं वो फाइव परसेंट काम रखते हैं क्रिटिकल रीजन लेकिन पॉइंट ज़ीरो वन इज़ बेटर लेकिन इसके ट्रेड ऑफ्स हैं जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि पॉइंट ज़ीरो फाइव और पॉइंट ज़ीरो वन रखने में क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं सो so, आपकी क्रिटिकल वैल्यू है ये आप देखेंगे और उसके मुताबिक फिर आप अपना डिसीजन करेंगे